दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे माउना AU 400 माइक की अनबॉक्सिंग, जानेंगे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन और नॉर्मल वॉइस और इसकी वॉइस में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये मैंने अमेजन से परचेज किया है, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों एक हमें इसमें ये पाउच देखने को मिलता है, जहाँ पे सामने ही हमें इसको फ्रंट पे मौना की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और इसमें हमें बॉक्स में दो ये कार्ड देखने को मिलते हैं, जो इसकी स्पेसिफिकेशन यूज़र गाइड है एक, और एक ये हैप्पी कार्ड, शायद ये इसका वारंटी कार्ड है। इनको साइड में रखते हैं और दोस्तों देखते हैं इस पाउच को, प्राइस को देखते हुए इसकी प्रीमियम क्वालिटी तो लग रही है। अब इसको ओपन करते हैं। दोस्तों ये हमें इसमें देखने को मिलता है, एक तो ये हमारा मौना AU 400 माइक 3.5 mm के जैक के साथ, क्वालिटी अच्छी लग रही है। और ये हमें इसमें मिल जाता है वाइन मफ, जो हमारी मुंह से जो हवा निकलती है इसको ये रोकता है, इसको बोलते हैं वाइन मफ। और दोस्तों ये हमें इसमें एक ये जैक मिलता है देखने के लिए, ये R2R जैक है, हम इसकी मदद से अपने कैमराज और लैपटॉप और कंप्यूटर्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। और हमें दोस्तों ये देखने को मिलता है कॉलर क्लिप, टू कॉलर क्लिप इसमें देखने को मिलती हैं, जो कि एक अच्छी बात है, वरना इतने प्राइस में हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आप देख रहे हैं इसकी प्राइस, ये मुझे 350 का अमेजन से मिला है, इसकी कॉस्ट नीचे ऊपर होती रहती है थोड़ी। और दोस्तों अगर इसकी वॉइस की बात करें, ये नॉर्मल वॉइस जो आप सुन रहे हैं ये मेरे नॉर्मल फ़ोन गूगल पिक्सल 4 से आ रही है, और जो नेक्स्ट वॉइस होगी वो आप इससे सुनेंगे। तो मुझे बताना कमेंट्स करके आपको इसकी वॉइस और फ़ोन की वॉइस में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है माउना AU 400 की वॉइस, तो बताइए आप मुझे कैसी लग रही है आपको इसकी वॉइस और नॉर्मल वॉइस में क्या डिफरेंस है। मुझे तो इसमें प्राइस में ये माइक बेस्ट लगा और ये मैंने अपने पर्सनल ही यूज़ के लिए इसको मंगाया है, तो मैं इसको आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।